मैं बनाने जा रही हूँ ढोकला। वो मैं कैसे बनाऊंगी वही मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ये एक कप, ये मेजरमेंट है मेरा, मेरा एक कप मैदा है जो मैं छलनी में डाल रही हूँ। इसको छलनी से छान लूंगी। ये देखिए इसका मैला निकल चुका है और चाल चुका। दही देखिए मैं बनाऊंगी, ये दही है। इस कप का हाफ कप मैं दही दूंगी। एग्जैक्ट ये हाफ कप है और हाफ कप इसमें पानी मैं यूज करूंगी। अब इसको मैं थोड़ा सा खाली रखिए, उसको मैं फेंट लूंगी अच्छा से। मैं एक पिंच हल्दी यूज करूंगी, हल्दी ज्यादा नहीं यूज करूंगी। मैं इसमें एक हाफ स्पून सॉल्ट यूज करूंगी। दही या पानी में अच्छा से घोल लिया, इसको मैं डालने जा रही हूँ इसमें। इसको डाल के मैं अच्छा से उसको ये कर दिया। इसको 10 मिनट के लिए मैं इसको ढक के रखूंगी। फिर मैं गैस में ऑन कर चुकी, उसमें 1.5 गिलास पानी दे दिया और एक स्टैंड रख दिया पानी गर्म होने के लिए। यहाँ पानी मेरा गर्म हो रहा है। एक पिंच में सोडा और इनू का सैचेट डालने जा रही हूँ। सॉरी सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर। स्टीम में बनाऊंगी इसको, मैं ग्रीस कर चुकी। मैं इसमें डाल रही हूँ पानी, मेरा बहुत अच्छा से बॉइल हो रहा है। ये मैं इसमें डाल दी हूँ, टैप करके अच्छे से मैं डाल दी हूँ। अब इसको मैं 15 मिनट के लिए ढक दूंगी। ये ढक्कन मेरा ढक गया है, 15 मिनट के बाद मैं खोलूंगी। इसके लिए जब तक मैं इसके लिए मैं ये बनाने जा रही हूँ सिरप बना रही हूँ शुगर का, चीनी का। मैं नारियल काट के रखी हूँ। ये देखिए मेरा नारियल कटा हुआ है और मैं 5 हरी मिर्च ली हूँ इसको मैं, और कड़ी पत्ता, ब्लैक, काला सरसों मेरे पास, काला राई है मेरे पास, काला राई मैं दूंगी। चीनी में यूज करूंगी, शुगर, ये सब मैं यूज करूंगी। अरे एक नींबू। गैस मेरा हो गया, मैं बंद कर चुकी हूँ, कढ़ाई चढ़ाई चुकी हूँ, जिसके लिए मैं इसका सिरप बनाऊंगी, शुगर का सिरप। ये देखिए ये धनिया पत्ता, मैं ताज़ा धनिया पत्ता है। एक नींबू है जिसको मैं काटी हूँ उसको दूंगी। ये मेरा नारियल है, थोड़ा सा नारियल मैं लंबे लंबे स्लाइस में काटी हूँ और थोड़ा सा नारियल को मैं ऐसे ग्रेस की हूँ। 5 मिर्चा है जो मैं डालूंगी। ये मेरा ब्लैक सरसों है जो मैं 1/2 चम्मच डालूंगी। तेल मेरा गरम हो रहा है, रिफाइंड तेल मेरा गरम हो रहा है। यहाँ देखिए ये तेल मेरा गरम हो रहा है। आधा चम्मच सरसों डाल रही हूँ मैं तो, ये सरसों ही का है। इसमें मैं चीनी डालूंगी, ज्यादा नहीं चीनी डालूंगी, बड़े चम्मच से, ये छोटा चम्मच है। गैस को मैं स्लो कर दी हूँ। इस चम्मच का 2 चम्मच में डाली चीनी। हरी मिर्च को काट के लंबा लंबा स्लाइस कर दूंगी ऐसे, तो क्योंकि इसमें थोड़ा से मैं लंबा डालूंगी, जैसे खाएंगे खाने में बहुत मजा लगता है। और 1 कप पानी, इसी कप का मैं सभी 1 कप पानी। एक नींबू का रस पूरा निचोड़ दूंगी मैं, थोड़ा खट्टा, थोड़ा मीठा, थोड़ा तीखा लगेगा खाने में। इसमें रस काफी है, काफी रस है। ये मेरा सिरप हो रहा है रेडी। मैं हाफ अभी दी हूँ क्योंकि नींबू में रस काफी था। मैं एक पूरा दे दी हूँ, इतना खट्टापन आया नहीं है। 1 कप पानी दी, जिस कप का नाप के मैं जो चीज ली हूँ सब चीज। देखिए मेरा सीरम हो गया रेडी। अब मैं आपको ढोकला, इसका धनिया पत्ता है, ये फ्रेश धनिया पत्ता है, मैं काटूंगी। ये मेरा चाशनी, ढोकला का चाशनी मेरा रेडी हो गया है। थोड़ा सा कड़ी पत्ता, क्योंकि कड़ी पत्ता मेरा बस ताजा नहीं है तो मैं ड्राई वाला दूंगी। ये ड्राई वाला है, मेरे पास ताजा नहीं मिला है।
गैस को बंद कर दी। मेरा चाशनी हो गया रेडी। अब मैं आपके सामने ढोकला को दिखा रही हूँ। देखिए मैं डेढ़ ग्लास पानी ली थी, उससे कुछ पानी मेरा बच गया। मैं ढोकला निकाल चुकी हूँ। ये रहा मेरा ढोकला रेडी। अब मैं इसको टैप करके बस उसको जरा सी छुरी से मैं ये करूँगी, करके निकालूंगी। देखिए तीन पूरा एकदम सफा, ये रहा मेरा ढोकला। ये देखिए मेरा ढोकला रेडी हो गया। आज मुझे खाने का बहुत मूड कर रहा था ढोकला खाने का, कई दिन से मैं कह रही थी। इसको मैं ऐसी प्लेट रख के ऐसी पलट ली, मेरा ढोकला निकल गया। मैं इसको पीस काटूंगी। पीस काट के उसके बाद से मैं इसको मैं पीस काटूंगी, बड़ा बड़ा पीस काटूंगी। ये जो मेरा सिला है ये भी गरम है कढ़ाई, ये मैं इसमें डालूंगी एक एक चम्मच करके। सारे सिरों को मैं ढोकले के ऊपर डाल दूंगी। जिसके अंदर वो पूरा चले जाएगा। बहुत ही स्पॉन्जी हुआ है, बहुत स्पॉन्जी है। बाकी जो बचेगा वो मैं रख दूंगी, मेरे काम आ जाएगा। तो थोड़ा देर में रख दूंगी, उसके बाद मैं खाऊंगी। ये देखिए ये मेरा बच गया, इसको मैं रख दूंगी। और मैं ये रहा मेरा कोकोनट, मैं ड्रेस करूंगी कोकोनट डाल के। आज बहुत है, मेरे पास इमली का चटनी बना हुआ है पहले का, तो मैं ये देखिए मैं बड़े बड़े पीस काटी हूँ। इतना सॉफ्ट हुआ है, इतना सॉफ्ट हुआ है, मैं आपको बता नहीं सकती। ये देखिए एक पीस में दिखा रही हूँ कितना सॉफ्ट हुआ है, इतना सॉफ्ट। आज मैं इंजॉय, ये मेरा शाम का नाश्ता यही मैं इंजॉय करूँगी। और आप लोग भी जरूर बना के खाइएगा, मुझे कॉमेंट जरूर कीजिएगा। मेरे पास इमली की चटनी है, माशाल्लाह बहुत टेस्टी है। ये रहा मेरा चटनी, ये रहा इमली का चटनी, और ये रहा मेरा ग्रीन चटनी। आप जिससे भी लेके स्वाद लेके खाइए, मजा आपको लगेगा। मैं जा रही हूँ शाम का नाश्ता आज ये करने, इंजॉय करने। आप लोग भी जरूर बना के खाइएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखना।